हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बहुत सारा अपडेट बताने वाला हूँ। मेरा न्यू शॉप ओपन हो गया है। क्या क्या अभी स्टॉक में है, क्या क्या आगे आने वाला है वो भी बताऊँगा। मेरा खुद का जो पॉइंट वगैरह कलेक्शन है वो भी थोड़ा सा बता दूँगा अपडेट। एंड लास्टली, मैं इतना दिन वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया था उसका भी रीज़न बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरट फिश का टैंक है। यहाँ पर बहुत सारा पैरट रहता है। अभी एक पीस होगा, येलो पैरट ख़त्म हो गया है। एंड यहाँ पर फ्लावर हॉर्न वगैरह रहता है, ये भी अभी खाली है ऑलमोस्ट। इधर सेनेगल का बहुत सारा वैरायटी है, इंडीचेरी, मार्बल एंड लेपर्ड वो भी है। यहाँ घोस नाइफ रहता है बहुत सारा, ये सब अभी बचा है। हैरवाना भी रहता है यहाँ पर। यहाँ भी ऑस्कर का टैंक है, इम्पोर्टेड टाइगर ऑस्कर, कॉपर ऑस्कर, लेमन ऑस्कर बहुत सारा है यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छा से, ये देखिए। यहीं से जाता है शॉप में, फिर ख़त्म होता है, फिर यहाँ से आता है। यहाँ पर मोनो एंजल अभी और लास्ट कुछ पीस बचे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मोनो एंजल आया था, अभी भी है हम लोग के पास। ठीक है, एंड यहाँ देखिए कुछ कैटफिश का भी स्टॉक है। साइड में आप वीडियो देख सकते हैं, टैंक ऑलमोस्ट खाली है। यहाँ पर बहुत सारा कैटफिश था। एंड यहाँ पर देखिए एक और ऑस्कर का टैंक है, यहाँ इंपोर्टेड लेपर्ड ऑस्कर है, शॉप में भी रखा है। बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता है इनका, मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉप में जाके। एंड ये वाला टैंक में मेरा लंग फिश अभी भी है, और कुछ है नहीं यहाँ पर फिलहाल। सो ये वाला रूम मोस्टली जो मेरा इंपोर्टेड स्टॉक वगैरह आता है यहाँ पर कुछ रहता है। एक और जगह है वहाँ पर भी रखता हूँ कुछ, यहीं से माल जाता है दुकान में। अभी चलिए फिश रूम का थोड़ा टूर कराता हूँ मैं। इधर सब नॉर्मल फिश का स्टॉक रहता है इसमें, जितना भी नॉर्मल जो हम लोग का चालू आइटम है, गोल्ड फिश, कार्प, सुबांकिन, फिर शार्क, टाइगर बार्ब, सब यहाँ भरा रहता है। यहाँ ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, सब आप लोग को पता है। यहाँ पर आइटम्स में प्लेको है बहुत सारा, पता नहीं आप लोग देख पा रहे कि नहीं। एंड यहाँ का अपडेट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, कुछ दिन बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर भी चेंजेस हुआ है कुछ, और फिश ऐड हुआ है, मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोग को। एंड फिश रूम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है फिलहाल। अभी मेरा यहाँ देख सकते हैं सब बहुत बड़े हो गए। यहाँ पर पंप में ऑफ करता हूँ, तो सेकेंड एरा पैमा को बहुत जल्द वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, किसी को खाने नहीं दे रहा है। एंड पानी हम लोगों ने कम किया है, क्योंकि बहुत जल्द इसी वीक में आई गेस ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका वीडियो आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एंड अगर इस हफ्ता नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक तक ट्रांसफ़र हो जाएगा फिलहाल। एंड यहाँ पर कुछ फिस रेजिंग हो रहा है शॉप के लिए, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं। लेपर्ड कैट फिश है, फिर एक सिकलेट है, एंड यहाँ पर भी एक ब्रीडिंग हो रहा है मेरा पोलर पैरट। लास्ट टाइम ब्रीड किया था, इस बार फिर ट्राई कर रहा हूँ मैं। पीछे छुपा है यहाँ पर जैंग बोरा में, अभी भी मेरे पास है मेरा वाला। ठीक है, बहुत ही गुस्सा रहता है। इसके लिए गाइस एक टैंक मेट्स मैं सजेस्ट आप लोग से मांग रहा हूँ, मतलब क्या फिश रखना चाहिए इसके साथ। इसका पहला टैंक मेट्स एक क्लैरियस कैट फिश था, क्या इसके साथ अभी मैं एक बड़ा साइज का प्लेको रखूँ या कुछ और कैटफिश का वैरायटी, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड यहाँ पर एक वाइट बेटा है, एक और बेटा है यहाँ पर मेरा कैंडी बेटा, ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ सब का ही बोल सकते हैं हम। यहाँ नियॉन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा हमेशा रहता है मेरे पास। ठीक है, 50 पीस, 100 पीस जैसे जैसे ऑर्डर आता है। यहाँ श्रिम का भी अपडेट दिखा देता हूँ, बेबीस ये देख सकते हैं घूम रहा है, अभी बड़ा हुआ है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा इनको। एंड ये एक और टैंक है, ये तो आप लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो होता है। ओके, एंड यहाँ मेरा मिक्स वीडियो का टैंक है, देख सकते हैं। अभी लाइट जलाया, सब डर गया है। ओके, एंड ये मेरा पॉन्ड
गैस एक टाइम था, मतलब नया फिश बाय करने का हमेशा मन करता था। अभी इतना सारा फिश आता है, निकल जाता है, अभी खुद के लिए उतना टाइम नहीं मिलता फिश पालने का। मतलब जो है बस वही ही रहेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ बस एरापाइमा जो है हमेशा मेरा घर में एक ना एक रहेगा। ठीक है, आज बड़ा वाला है, वो अगर कुछ हो जाता है उसका तो ये है, अगर इसका भी कुछ हो जाएगा फिर मैं लाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा फिश है जो मुझे बहुत एंटरटेन करता है। ठीक है, कोई भी आता है गेस्ट, लाइक बहुत यूनिक लगता है। एरापाइमा मेरे पास हमेशा रहेगा। ओके, परम साहब को देखिएगा कितना बड़ा हुआ है। अब देखते हैं इनको वहाँ ऐड करेंगे, वहाँ का फिश कैसा रिएक्शन करता है इनके ऊपर, वो भी देखना पड़ेगा। कुछ फिशेस यहाँ पर रहेगा, लाइक मेरा फ्लोरिडा का जो फर्स्ट मेरा इस पॉन्ड में ऐड हुआ था वो रहेगा, एंड अरावाना रहेगा, और भी कुछ यहाँ पर स्टिंगरे वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ, बट अभी नहीं। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं अपना शॉप का जो नया लोकेशन हम लोगों ने बनाया है वहाँ का अपडेट दिखाने वाला हूँ, एंड वहाँ पर क्या क्या स्टॉक है छोटा सा वो भी मैं दिखा दूंगा। बहुत लोग को दिक्कत हो रहा था, लाइक नया लोकेशन कितना दूर है, ज़्यादा दूर है कि नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सो गाइस, शॉप को लेके मैं उतना कुछ बोलूँगा नहीं, जो भी आ रहा है सब बोल रहे हैं हाँ पहले वाला से बेटर है, बहुत ही स्पेस है अंदर, आप लोग देख सकते हैं आप आराम से, लाइक एक गैलरी टाइप का है। एक साइड प्लांटेड छोटा मोटा फिशेस का कलेक्शन है, ऊपर में चिकलेट वैरायटी, नॉर्मल ऑस्कर, इम्पोर्टेड ऑस्कर, फिर गोल्ड का एक सेक्शन है, फिर नॉर्मल जो इंडियन हम लोग का फिशेस रहता है जो बहुत पॉपुलर है एक्वेरियम हॉबी में, वो भी है। सामने में तीन बड़े बड़े टैंक्स है डिस्प्ले के लिए, वहाँ पर बहुत सारा फिश आते जाते रहता है, बड़ा साइज के एलिगेटर, स्टिंगरे वगैरह। एंड बहुत लोग लग शॉप में आते हैं, वो लोग पूछते हैं भाई तुम इतना जल्दी फिश घर से कहाँ से लेकर आ जाते हो, घर में भी सेटअप है? तो यस, घर में भी आप लोगों ने देखा सेम फिश जो दुकान में 2 पीस 3 पीस सैंपल रहता है, वो घर में 20 पीस 25 पीस 50 पीस भी बहुत टाइम रहता है मेरे पास। ठीक है, नॉर्मल फिशेस का भी हमेशा रहता है सीमेंट टैंक, आप लोगों ने देखा है। ऑलराइट, तो इस बीच में गाइस बहुत जगह शिपिंग हुआ है, ये एक छोटा सा क्लिप मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें मतलब मुझे पसंद नहीं आता दिखाना, बहुत लोग इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एक वीडियो बनाते हैं, पूरा वर्ल्ड में शिपिंग करते हैं ऐसा बोलता है, बट मैं उतना बड़ा भी होलसेलर नहीं हूँ, मेरा भी रिटेल शॉप ही है, कभी कभार मैं होलसेल कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग को भी अगर कुछ भी ऑर्डर वगैरह चाहिए तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ योर फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड जंक्शन स्टेशन नेम। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी को देख के हम लोग आपको बता पाएंगे कि वहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल होगा कि नहीं। एंड नॉर्मली बहुत जगह पर 200 300 400 500 रुपये में डिलीवरी हो जाता होगा ट्रेन में, बट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरा जगह से स्टेशन बहुत दूर है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है अलग। ठीक है, एंड अगर आपको खुद कलेक्ट करके आना है तो आप गूगल मैप लोकेशन देख के आ सकते हैं, खुद अपने मनपसंद फिशेस बाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ भी ऑड फिशेस अगर आपका रिक्वायरमेंट रहता है, थोड़ा रेयर वैरायटी, वो मैं देखिए गाइस मेरा इधर तो उतना डिमांड है ही नहीं बोल सकते एक तरफ, तो उस टाइप का फिशेस मैं प्री ऑर्डर में मंगाता हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोलिया टाइगर, फिर लंग फिश, वैम्पायर, ये सब का जो थोड़ा रेयर वैरायटी है, पीकॉक बास का भी बहुत सारा वैरायटीज है, तो ये सब अगर आपको चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जुगाड़ कर देंगे। सो ये था गाइस स्टॉक रिलेटेड का, जो जो मेरे को बोलना था मैंने बोला। आगे और भी फिशेस आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फ्लोरिडा का आने वाला है, बहुत रिक्वायरमेंट था, बहुत दिनों से मेरे पास सारा ख़त्म हो गया था, एलिगेटर गार भी आने वाला है। एंड सी गाइस, हर एक स्टॉक का न्यू स्टॉक करके मैं वीडियो, मुझे उतना पसंद नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कीजिए, अब आपको लिस्ट भेज देंगे, या हम लोग स्टेटस छोड़ते हैं, या पॉसिबल होगा फेसबुक इंस्टाग्राम में हम लोग फोटो वीडियो छोड़ देंगे। हर एक स्टॉक का वीडियो उतना अपलोड करने का मतलब, मैं अपलोड करते करते गाइस बहुत सारा फिश निकल भी जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब सारा फिशेज आप लोग ऑलमोस्ट देख लिए हैं। ठीक है, जो जो आइटम मेरे पास रहता है, तो आपको कुछ भी चाहिए जो जेन्युइन बायर है हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस, लास्टली मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला बात, मैं इतना दिन वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया था,
सी गाइस, मेरा साथ बीच में एक इंसिडेंट हुआ है, बट अभी मैं उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता। बट बहुत जन को पता है, जो भी मेरे क्लोज सराउंडिंग्स है उनको पता है ये चीज़। ओके, सेकेंडली मैं पहले से गाइस मतलब सोशल मीडिया उतना मेरे को पसंद नहीं था, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो एक एडिक्शन रहता है ना, बहुत ख़राब रहता है गाइस। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है बहुत लोगों को मतलब यूट्यूबर बनना है। ठीक है यार, यूट्यूबर आप कभी भी किसी दिन बन जाओगे, एक कैमरा लो, सब प्रमोशन करो, दैट्स इट। कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स के साथ भी लड़ लेता है, मतलब अच्छा फ़ोन चाहिए, 30,000 35,000 का फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। मतलब क्या यार, मैं तो तभी भी पुराना फ़ोन से शूट करता था, आज भी मेरे पास वो फ़ोन है, मैं उससे ही अभी शूट कर रहा हूँ। एक और चीज़ गाइस किड से, आप थोड़ा मतलब सोच समझ के फ़ोन वगैरह दीजिए। आजकल कुछ भी मतलब पॉपअप हो जा रहा है, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में आ रहे हैं उस टाइप का वीडियो, रिकमेंड्स आ रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मतलब छोटा छोटा बच्चा लोग वो सब देख रहा है, सीख रहा है। तो मतलब क्या यार, हम लोग का ज़माने में क्या था लाइफ, आज कैसा हो गया है। सो दैट्स द रीज़न मैंने इतना दिन ब्रेक लिया था, अपना काम में बिजी था, मैं शॉप में भी टाइम देता था, कस्टमर्स लोग के साथ भी अच्छे से डील करता था, एंड स्टॉक आता था, बहुत सारा स्टॉक बीच में आएगा इस मतलब। एंड मैं खुद का हॉबी लेके भी रखता हूँ, मेरा डॉग्स भी है, फिशेस भी आपको पता है कितने सारे हैं, तो टाइम निकल जाता है गाइस इसी में। सो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से, मतलब जो भी ज़्यादा एडिक्शन है मतलब यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, आप लोग थोड़ा कंट्रोल कीजिए गाइस। ऑफलाइन पे भी एक लाइफ होता है, उस लाइफ को जिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना हॉबी को पसंद कीजिए, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, इसके पास इतना महंगा फीस है मेरे पास नहीं है, मतलब इस टाइप का मत सोचिए। अपना जितना भी फीस है उसको प्यार कीजिए ठीक से। बट स्टिल गाइस, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी भी मेरा सब्सक्राइबर गेन होता है, बहुत सारे मैसेज कॉल्स आते हैं, भाई कब वीडियो अपलोड करोगे, बीच में मैं बाहर भी गया था। तो कुल मिला के बहुत सारा रीज़न है इसीलिए वीडियो आने में लेट हुआ। अब शायद रेगुलर वीडियो आए ना आए, हफ्ता में एक वीडियो लाने का मैं कोशिश करूँगा। इट कैन बी अ फिश केयर वीडियो और एनीथिंग। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए, एंड जितना अभी तक बनाए हो ना वीडियो, लाइफ इज केयर का वीडियो, जितना भी ये सब ओरिजिनल वीडियो है खुद का एक्सपीरियंस का। सो अभी भी उस टाइप का वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आप देखिए उनको, ठीक है, पुराना वीडियो ही देखिए। एंड लास्टली गाइस, मतलब एक टाइम था, मतलब नया फिश पालू, कौन सा फिश पालू समझ में नहीं आता था, अभी इतना सारा फीस देख लिया, इतना सारा आया है, चल गया है, मतलब खुद के लिए और दूसरा फीस, फीस तो छोड़ो, एक टैंक करने का भी मतलब टाइम अभी नहीं मिलता है। ठीक है, टैंक बनाता भी हो तो उसमें स्टॉक रख देता हूँ कुछ, ठीक है, दुकान का पर्पस के लिए। सो यही है गाइस आज का वीडियो, आप लोग शेयर कीजिए नया लोकेशन, जिसको भी पता नहीं है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल मैप का लोकेशन, आप सर्च करके आ सकते हैं। एंड जिसको भी ऑर्डर करना है, कुछ भी इन्फो चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, पीस।